नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का यह वीडियो एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर्स के लिए। दोस्तों अगर आप भी जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग करते हैं या फिर आप जब नया सिम लिए थे आपका जो है एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर दिया गया और उसका एम पिन आप भूल गए, या फिर आपका जो सब्सिडी वगैरह है आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में आता है और आप उसके जो है चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए एम पिन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको एम पिन नहीं पता तो किस तरह से आप फॉरगेट या फिर रिसेट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको जो है बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर जैसे कि एयरटेल ऐप जो है इसका ऑफिशियल ऐप या कहते तो एयरटेल थैंक्स ऐप, ये नाम हमेशा चेंज करता रहता है। आप ऊपर में जैसे ही सर्च करेंगे माई एयरटेल ऐप तो उसका ऑफिशियल ऐप जो है आ जाएगा। तो उसे आपको जो है इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है और अपना मोबाइल नंबर डालकर जो है उसमें लॉग इन हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसके होम पेज में आ गया हूँ लॉग इन वगैरह करके। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं मनी का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है अकाउंट बैलेंस और यहाँ पर लिखा हुआ है इन यूअर सेविंग अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर का यहाँ पर आइकन बना हुआ है, प्रोफाइल आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या करना है, सेटिंग्स के ऊपर में आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट एंड बैंक के अंदर में फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं पेमेंट सेटिंग्स, इसके ऊपर में क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं 5-6 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसा कि सेफ पे, चेंज एम पिन, फॉरगेट एम पिन, एड मनी एंड यहाँ पर भीम UPI को जो है लॉक अनलॉक कर सकते हैं, क्या कहते हो ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। तो मुझे जो है मेरा एम पिन नहीं पता, जिसके कारण मैं जो है पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, अपना अकाउंट बैलेंस नहीं चेक कर पा रहा, तो यहाँ पर आपको फॉरगॉट एम पिन के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है फॉरगॉट एम पिन, यहाँ पर इसका ओके करना है आपको। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन किया गया या फिर जब आप सिम लिए तो जो ID दिए थे जैसे आधार कार्ड, वोटर ID जो भी, तो उसमें जो नाम वगैरह था वही सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नेम में यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ सूरज एंड यहाँ पर आपको मिडिल नेम नहीं डालना, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सूरज विश्वकर्मा और यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं 1994 6-7, तो ये देखिए ये यहाँ पर ओके। अब यहाँ पर देखिए ये तो मेरा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम दिया है तो आप यहाँ से एम पिन रिसेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका किसी कारण से अगर आपका डेटा मिसमैच दिखाता है, वैसे मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा मेरा तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका मिसमैच दिखाता है, अगर आपका जो डिटेल्स ले नहीं रहा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है तो सिर्फ एक ही, उसके लिए आपको अपने नज़दीकी एयरटेल स्टोर में जाना होगा या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता है वहाँ पर जाना होगा। और वहाँ पर जाकर आप जब बोलेंगे कि मेरा जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का एम पिन फॉरगेट करना है, रिसेट करना है, तो वो उन लोग जो है करके आपको दे देंगे। ठीक है, अगर आपका डिटेल सही है तो आपको क्या करना, फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम डालना है और डेट ऑफ बर्थ जो आईडी में था जो अकाउंट ओपन करते समय दिए थे, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इस नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर जो है इंटर करना होगा। तो ये थोड़ा सा OTP का हम जो इंतज़ार कर लेते हैं, तो ये देखिए OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ एंड यहाँ पर सबमिट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर आपको क्रिएट एम पिन के ऊपर क्लिक करके आपको 4-डिजिट का एम पिन यहाँ पर जो है इंटर कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है एग्जांपल के लिए डू नॉट यूज़ 1, 2, 3, 4 या फिर 4 टाइम कोई भी अंक जो है आप यूज़ ना करें। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 0502 एंड यहाँ पर कंफर्म मैं बोल रहा है नीचे, तो यहाँ पर भी 0502 यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद डन के ऊपर में जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एम पिन अपडेटेड सक्सेसफुल यहाँ दे दिया, ओके पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए यहाँ पर मेरा आसानी से जो है एम पिन जो है यहाँ पर फॉरगेट हो गया है, मैंने जो है नया एम पिन जो है जनरेट कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक मैसेज भी यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इसी तरह से आसानी से आप जो है अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एम पिन है फॉरगेट या फिर रीसेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर बता दूँ, अगर आपका डेटा अगर मिसमैच बता रहा है, डिटेल्स मिसमैच बता रहा है,
ले नहीं रहा, तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी एयरटेल स्टोर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में जाना है, और वहाँ जाकर आप जो है बोलेंगे कि मेरा जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का एम पिन जनरेट करना है, तो वो लोग जो है आसानी से कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। दोस्तों छोटी जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट से कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बताऊँ दूँ, इससे रिलेटेड एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड या कहें तो एयरटेल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।